अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। 3 सफियर्स हैं आपके पास जिनके मैसेज एम ए है 80 ग्राम, एम बी है 10 ग्राम, एम सी है 20 ग्राम। वो कहता है सेंटर उनका कॉमनली लाई कर रहा है। आपके पास लेंथ 12 सेंटीमीटर की है, डी आपके पास 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द फिक दिखाया गया है। अब वो कहता है बी को मूव करो अंटिल सेंटर टू सेंटर सेपरेशन सी की 4 सेंटीमीटर हो जाए। अच्छा, अब आपके पास क्या जनाब, वो कितना वर्क करना पड़ेगा बी को मेरे वजह से और नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को बी ए और सी की वजह से बी पे। तो पहले तो टोटल एनर्जी देख लेते हैं। तो हम सारी एनर्जियों को सम कर लेंगे, ए बी की, ए सी की और फिर बी सी की। तो सबकी एनर्जी हमने देख ली, इन सबको लेके हम मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव वैल्यू डाल दिया है। अब फाइनल अगर हम देखेंगे तो बी यहाँ पे पहुंच चुका होगा। तो अब आपके पास ए और बी की दूरी एल माइनस डी हो जाएगी। पहले ए और बी की दूरी डी थी, अब पहले बी और सी की दूरी एल माइनस डी थी, अब बी और सी की दूरी डी हो जाएगी। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब अगर हमसे वर्क मांगा जा रहा है तो हम चेंज निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो चेंज हमें वर्क बता देगा, तो वो आपने वैल्यू सॉल्व कर ली। ये फैक्टर कॉमन होके कट गया, रिमेनिंग फैक्टर में से हमने कॉमन जी ए बी वाला कॉमन ले लिया, जी एम बी सी वाला कॉमन ले लिया। इस सारे को लेके अब हम जो देखा जाए तो एम बी इसमें भी, एम बी इसमें भी है, जी इसमें भी, इसमें भी है, डी एल माइनस डी सब में कॉमन उठा लिया, रिमेनिंग फैक्टर में वैल्यूज प्लेस कर दी, तो वर्क आ जाएगा जो एनर्जी की चेंज का बायस बनेगा 5 × 10⁻³⁰ जूल। अब वो कहता है कि ग्रेविटी के, ये तो वो वर्क था जो मैंने किया, ग्रेविटी का वर्क इस चेंज एनर्जी के मुखालिफ होगा तो नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा, −5 × 10⁻³⁰ जूल आ जाएगा। तो यानी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट एक सेंस में हो जाएगी। तो ये जनाब हमारे पास सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।